ओके, नाउ वी मूव ऑन टू पार्ट टू. पार्ट वन सही हो गया ना सबका? गुड, वेरी गुड. पार्ट टू है जी, क्वेश्चंस 11 टू 14. कंप्लीट द टेबल बिलो. अब टेबल आ गया. कंप्लीट द टेबल बिलो. राइट नो मोर देन 3 वर्ड्स एंड और अ नंबर. अब मैक्सिमम वर्ड्स कितने हो गए? 3. एंड और अ नंबर, या 3 वर्ड्स प्लस नंबर, 1 वर्ड प्लस नंबर, 2 वर्ड्स प्लस नंबर, ओनली नंबर, ओनली वर्ड, लाइक दैट. पिक्टन ऑन सी बस टूअर. जरा इमेजिनेशन को ऑन करें. रेड कलर की एक खूबसूरत बस, बीच के साथ एक खूबसूरत सड़क, दूर नीला समुंदर नजर आ रहा है. वो बस टूरिस्ट से भरी हुई है. किसी के पास कैमरा है, किसी का बैकपैक है, एंड ऑल दैट. जस्ट इमेजिन दैट. और ऑन सी है तो समुंदर के साथ साथ बस का टूर है. इमेजिन करेंगे तो चीज़ें अच्छे से समझ आएंगी. अच्छा, क्वेश्चन क्या है? देखिए, टेबल जो है उसके 3 कॉलम्स हैं. एक है बस स्टॉप्स. इसमें कोई क्वेश्चन है इस कॉलम में? बस इसको आपने सिर्फ वहां तक देखना है कि जब वो अगले स्टॉप पे जाए तो आप अगले पे आ जाए. सेकेंड कॉलम है लोकेशन. कितने क्वेश्चंस हैं? 2 क्वेश्चंस. अब यहां पे आपने लोकेशन के जो 2 क्वेश्चंस हैं, यू हैव टू आंसर देयर. थिंग्स टू सी, हाउ मेनी क्वेश्चंस? 2 क्वेश्चंस. ठीक है. अच्छा, अब ये चलेगा पूरा. पहले बस स्टॉप 1 कंप्लीट होगा, फिर बस स्टॉप 2 कंप्लीट होगा, फिर बस स्टॉप 3. यानी लिसनिंग में ऑडियो का जो ऑडियो जिस ऑर्डर में चलेगी उसी ऑर्डर में आपके हैंडआउट पे क्वेश्चन आएंगे. सो अब क्वेश्चन, बस स्टॉप 1 पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, बस स्टॉप 2 में भी आप आ जाएं. थिंग्स टू सी. अब थिंग्स टू सी में क्या होगा? डॉल्फिन्स एंड डैश. अब जब डॉल्फिन की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कोई सी क्रीचर होगी. ये तो नहीं कहेंगे डॉल्फिन्स एंड बफलोज, डॉल्फिन्स एंड डोंकीज. हाँ, नॉट लाइक दैट. ओके, इट्स गोइंग टू बी समथिंग जो सी क्रीचर है. सो आंसर क्या होगा? एनिमल. और कौन सा एनिमल? सी एनिमल. राइट. और लिखना है आपने प्लूरल में. वाई प्लूरल? देखें, डॉल्फिन्स ऑलरेडी प्लूरल में लिखा हुआ है. ठीक है. अच्छा जी, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है. पहले 11 करते हैं, उसके बाद 12 पे आते हैं. थैंक यू फॉर कॉलिंग द फोन लाइन फॉर द पैक्टन ऑन सी बस टूर. दिस इज अ रिकॉर्डेड मैसेज लास्टिंग अप्रोक्सिमेटली 4 मिनट्स एंड इट प्रोवाइड्स जनरल इंफॉर्मेशन ऑन द टाउन बस टूर. Pacton-on-Sea is a beautiful West Coast town and has attracted tourists for many years. One of the best ways of getting to know the town is to take the bus tour, which provides a wonderful viewing experience from one of our open-top buses. The tour is a round trip of the town, and there are a total of 4 stops where passengers can get on and off the bus. A lot of people start at the first stop, which is at the train station, as this is where many tourists arrive in the town. The next stop, after the station, is the aquarium, which is famous for its dolphin show, and which has recently expanded to include sharks. So what's the answer? Who said shark? Sharks. Okay, that's right. Very good. Understand now? When you understand one thing is this and other can be this, you will easily find the answer. Okay, let's go on. Okay, listen. If they spell any word in the audio, then you must write the same spelling 100%. Otherwise, they accept British and American spelling. But if anything is spelt in the audio, then you should write it exactly as it is. Then there is no other option. Yes, right? Okay, so question number 12. Bus stop number 3, it's a location. For location, they will not use the word location. You just need to see the next bus stop. After this sharks, they will talk about the next bus stop. Now, for example, if I say, well, the bus stop 3 stops at Royal Palm, where you can enjoy. So what's the location? Royal Palm. So they will use the word where. Or they can just use the location instead of using any other word with that. You should focus. This is a technical question. Let's see how many of you get the right answer. ये question बहुत सारे लोगों का गलत होगा और होता है. हर जगह पे ना कोई एक आधा ऐसा trap होता है. Let's see आपके साथ क्या होता है. This is well worth a visit and is very reasonably priced. Leaving the aquarium, the bus tour goes along the coast road. And after a few kilometers, comes to the old fishing village,
where you can get off to stroll along the waterfront. After a few kilometers comes to the... But yeah, full word, because now it's the location, you got to write three words. Comes to? Old fishing village. Exactly. Comes to means after a few kilometers, it comes to that. Listen again. This is well worth a visit and is very reasonably priced. Leaving the aquarium, the bus tour goes along the coast road and after a few kilometers, comes to the old fishing village, where you can get off to stroll along old the waterfront. Fishing village. Okay. Next, we've got bus stop number 4. Now, you don't need to take a look at yachts and power boats and all that. There's no question. Okay, immediately jump to bus stop number 4 and dash center. Very simple. Whatever they speak, and they might not use the word center. Right? For example, if the answer is city center, so they may talk about it in a different way, but they may paraphrase the word center, and then there'll be the answer. Let's see. There are some original buildings here, but most of the area has been modernized and is now used as a harbor for all kinds of sea craft, including yachts and some amazing powerboats. The tour then heads off to the last stop, and this is where most of the shops are. So for those of you keen to do a bit of shopping, this is the place for you. This is the place for you means center. Those who are keen on shopping, this is the place for you. So shopping will be there. Are you getting all the answers? Good. And here? Yeah? Good. Here? Sure. There are some original buildings here, but most of the area has been modernized and is now used as a harbor for all kinds of sea craft, including yachts and some amazing powerboats. The tour then heads off to the last stop, and this is where most of the shops are. So for those of you keen to do a bit of shopping, this is the place for you. This is the place for you means it's a shopping center. Okay, very good. Now we've got question number 14. Very old. Tell me other word for old. Ancient, right? They might use the word old, ancient, right? Or it was built a century ago, something like that. Okay, so let's see. Our advice is to go to this part of the town in the morning when it is relatively quiet. It does get very busy in the afternoons, especially at the height of the season. This area of the town includes an ancient water fountain where many people like to have their photograph taken. So do look out for this. Ancient water fountain. Now listen, water fountain, full answer, even if you write fountain, it'll be accepted. But if you only write water, it's not that ancient water. It doesn't make any sense. So wrong answer will never make any sense, right? Okay, let's do questions 15 to 20. Again, complete the sentences below. Now we have complete sentences. Notes are incomplete sentences. They are phrases. But now we've got sentences. Question number 15. You need to have a dash to buy a ticket for £10. Now, they will give you the ticket price in different ranges. Like, first of all, for adults, it's £30. For children, it's £25. Now, you got to focus when she says the ticket price is £10. And then they say you need to have. You need to have means it can be a membership card or it can be a pass or it can be any permit or anything like that. Okay, so you will focus £10 ticket. And what is it that you need to have? Because they said you need to have. For need to have, they can say if you have or you must have, something like that. Let's see. Now, some details of the costs and timings. A family ticket, which includes 2 adults and up to 3 children, costs $30. An adult ticket costs $15. Children under the age of 15 are $5, and student tickets are $10, as long as you have a student card. As long as you have a?
करेक्ट ये खुद से करना है, अपना दिमाग इस्तेमाल करें, पंजीरी खाया करें, बादाम खाया करें, ठीक है, सुबह सुबह उठ के 7 बादाम खाने। ऑलराइट, नेक्स्ट वी गॉट क्वेश्चन नंबर 16। द बस टूर लास्ट्स इन टोटल, लास्ट्स मींस ड्यूरेशन, के बताएंगे जी एक साइड का जो है वो 30 मिनट का है, तो पूरे साइड का क्या हो जाएगा, 1 आवर। इन टोटल का वर्ड आ गया ना, अब इन टोटल का मतलब है कि घुमाएंगे कहां पे आपको, कि एक साइड पे इतना टाइम लगता है और कंप्लीट टूर इतना, या बोलेंगे यहां से वहां तक 15 मिनट लगेंगे, बट पूरा टूर जो है हमारा वो इतने मिनट का है। मिनट्स हो सकता है, आवर्स हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि बस टूर है ना, डेज का तो नहीं होगा, 15 दिन का टूर है, बैठे ही रहना है बस में, ओके, इट्स नॉट लाइक दैट, इट कैन बी इधर मिनट्स और इट कैन बी आवर्स, राइट। सो लेट्स सी, All tickets are valid for 24 hours, which means that you can get on and off the bus as many times as you like within a 24-hour period. So you could, for example, start the tour in the afternoon and complete it the following morning. The first bus of the day leaves the station at 10 a.m. and the last one of the day leaves at 6 p.m. Buses leave every 30 minutes, and each tour takes a total of 50 minutes. So, 24 hours, huh? Good. Kitna gumaya? Yeah, shuru mein 24 hours bar bar, uske baad afternoon, uske baad ye and all that. At the end, she told us in total 50 minutes. So, 50 aur minutes likhne saath, minutes ki jagah pe M-I-N bhi likh sakte hain, that'll be accepted. ओके गुड, चलाक हो गए आप लोग हैं, अब समझ आ गया है कि बचना कैसे इनसे। गुड, क्वेश्चन नंबर 17। द कॉस्ट ऑफ द बस टिकट इंक्लूड्स एंट्रेंस टू द, कॉस्ट इंक्लूड्स का मतलब है किसी और चीज को फ्री कर दिया साथ, राइट, कि आपने बस का टिकट खरीद लिया, उसमें इस चीज की कॉस्ट इंक्लूडेड है, कि आपको एक सैंडविच साथ मिल जाएगा या बिस्किट मिल जाएगा, कॉफी मिल जाएगी। सो द कॉस्ट ऑफ द बस टिकट इंक्लूड्स, इसकी जगह पे वर्ड यूज कर सकते हैं यू डोंट हैव टू पे, और दैट इज इंक्लूडेड इन द प्राइस, और देर इज नो एक्स्ट्रा चार्ज फॉर दैट, इस तरह का कोई वर्ड आएगा। और से सुनना है कि बस की टिकट के साथ, और वो हो सकता है ये बोले आपको इसका भी पे करना है, इसका भी पे करना है, इसका पे नहीं करना, दैट इज इंक्लूडेड इन द प्राइस, जिसका पे नहीं करना दैट विल बी द आंसर, राइट। देर आर मेनी अट्रैक्शंस एट ईच ऑफ द स्टॉप्स, सो व्हेयरएवर यू गेट ऑफ द बस there will be plenty to do. The bus tour tickets do not include entrance to any of these attractions apart from the museum, which is located near the aquarium. Yeah, the bus ticket does not include, aur uske baad bola apart from, yani does not include to ek cheez ho gaya, attractions bataya, apart from ka matlab hai ki ye usme shamil hai, so apart from the museum, museum ke spelling kya honge, एम यू एस ई यू एम, यहाँ से आवाज़ नहीं मिली थी, एक सुर टूटा था कहीं से, ओके, सुर का मतलब है स्पेलिंग टूट गया था, ओके, ऑल राइट, वेरी गुड। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 18 पे। यू कैन लिसन टू एन ऑडियो कमेंट्री विच हैज बीन मेड बाय, अब वो बोलेंगे जी पूरी बस का टूर, जैसे नहीं लाहौर की बस चलती है उसमें भी एक ऑडियो कमेंट्री चल रही होती है, साथ साथ बता लाहौर है कि ये शहर है, खवातीनों हजरात इधर देखिए उधर देखिए एंड ऑल दैट, ओके। So, अब देखना ये कि कमेंट्री बनाई किसने है, प्रिपेयर्ड बाय, मेड बाय की जगह पे आ सकता है, प्रिपेयर्ड बाय, और दिस कमेंट्री हैज स्पेशली बीन प्रिपेयर्ड बाय, मेड बाय, और डैश डिपार्टमेंट हैज स्पेशली मेड दिस ऑडियो कमेंट्री एंड ऑल दैट। सम बसेस हैव लोकल गाइड्स हु विल पॉइंट आउट प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट एंड विल प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन द टाउन। However, we cannot guarantee that every bus will have a guide, and so we also have an audio commentary that has been specially recorded for the bus tour by the tourist office. Headphones are available on the bus. Tourist office, yeah. Aur iske saath ek trap aaya tha waise. Sune. An audio commentary that has been specially recorded for the bus tour. Recorded for the bus tour. और हो सकता है किसी के जेहन में ये भी आ जाए कि रिकॉर्डेड फॉर है, राइट, बस टूर बाय द टूरिस्ट ऑफिस, बाय द टूरिस्ट ऑफिस, ठीक हो गया। सो आंसर बाय के साथ, यहां पे भी ट्रैप आया है, ठीक है। अच्छा जी आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। इफ द वेदर इज वेट
इट इज अ गुड आइडिया टू ब्रिंग कॉमन सेंस अम्ब्रेला, करेला नहीं अम्ब्रेला. हाँ ओके, इफ द वेदर इज गुड इट्स अ गुड आइडिया टू ब्रिंग. ठीक है, तो ये सुने बगैर ही आपने कभी भी ऐसी गलती नहीं करनी. ठीक है, वो कहे जी इंजॉय करे, जरूरत नहीं है. ठीक है, सो कभी भी ऐसे नहीं करना. कुछ लोग ये भी टिप देते हैं कि जिसका आंसर बगैर ऑडियो सुने आता है वो तो सबसे पहले लिखो. ऐसा हरगिज नहीं करना, आपने ऑडियो में सुनना है कि हो सकता है वो अम्ब्रेला की जगह पे कोई और चीज बता दें, रेनकोट बता दें या कुछ और, लाइक समथिंग लाइक दैट. ठीक है, यू गॉट टू लिसन एंड फाइंड द आंसर. ड्यू टू द विंटर मंथ्स बीइंग रादर कोल्ड एंड वेट इन पैक्टन ऑन सी, द बस टूर्स ओनली ऑपरेट फ्रॉम मार्च टू सितंबर. The weather is usually warm and sunny during these months, so remember to bring some sun protection, especially on hot days. And of course, it does occasionally rain here in the summer, so if the weather looks bad, remember to bring some rainwear. The rain bus tours are rain. available. Yeah, आपने पहले sun protection लिख लिया है. हाँ, sun का तो उससे ताल्लुक ही नहीं है. Okay, see that? So rain wear. Wear के spelling क्या होंगे? E-A-R, rainwear. All right, rainwear को अच्छा लिख लें, अलग अलग लिख लें, हाइफन के साथ लिख लें, तीनों तरह से ठीक है. हाँ ये ठीक है, तीनों तरह से rainwear. हाइफन वाले जो वर्ड्स हैं जितने भी उसमें हाइफन लिखें या ना लिखें दे एक्सेप्ट हैं. ठीक है, ओके जी, rainwear हो गया. क्वेश्चन नंबर 20, डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर डैश व्हेन यू बुक ऑनलाइन. ऑनलाइन बुकिंग में क्या लेके आना है, कौन सी चीज है? Don't forget to bring your. Don't forget to bring your की जगह बोलेंगे you must bring in case if you book online. So let's see what is that. At the height of the summer, the tours can get very busy, so you are advised to book. You can book tickets online, over the phone, and also at the station, and at any of the other tour stops. When booking over the phone, you can collect your tickets at any of the stops at the start of your tour. When you do it online, you can print your e-ticket, which you must remember to bring with you. Thank you for calling the Pacton-on-Sea phone line. You must bring your e-ticket. So e-ticket, go e-ticket, like the singular, plural, and all that.